गाइस ये एक DX-FAHU है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट है। आज इसके बारे में हम देखेंगे इसका क्या काम होता है और ये किस लिए लगाया जाता है और इसकी सारे पार्ट्स की डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। गाइस ये इसका वेपोरेटर वाला हिस्सा है जिसमें वेपोरेटर लगा हुआ है और दूसरा इसका कंडेंसर वाला हिस्सा है, आउटडोर है तो इसलिए इसे DX-FAHU बोलते हैं। गाइस इसका काम क्या होता है कि ये ताज़ी हवा को ठंडा करके घर के अंदर सप्लाई करता है। जो फ्रेश हवा होती है उसको ठंडा करके घर के अंदर सप्लाई करता है, क्योंकि घर के अंदर जो एसी लगे होते हैं वो जो घर के अंदर हवा है उसी को बार बार सर्कुलेट करते रहते हैं और हवा में स्मेल पैदा हो जाती है। इसलिए ये लगाए जाते हैं ताकि ताज़ी हवा को ठंडा करके गर्मियों में ठंडा करके और सर्दियों में गर्म करके अंदर सप्लाई किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस ये एक DX-FAHU है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट है। ये इसकी डक है जिसके जरिए हवा अंदर सप्लाई की जा रही है। ये इसका वेपोरेटर वाला हिस्सा है, ये इसकी बैक साइड है जहाँ से ये हवा को खींचता है। इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ होता है। ये दो कॉपर के पाइप हैं, लिक्विड लाइन और सेक्शन लाइन, ये जाके कंडेंसर कॉइल के साथ आउटडोर के साथ अटैच है तो इसलिए इसको DX-FAHU बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ आउटडोर होता है, कंडेंसर कॉइल होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसिव फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट इसको बोलते हैं। ये FAHU इस पर लिखा हुआ है, इसके साथ कंडेंसर लगाया हुआ है इसलिए इसको DX-FAHU बोलते हैं। वेपोरेटर वाला हिस्सा है, इसके अंदर ब्लोअर लगा हुआ है, फिल्टर लगे हुए हैं, वो सब कुछ मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये बैक साइड है इसकी, यहाँ से ये हवा को सक करता है, अंदर खींचता है। जो ताज़ी हवा है, फ्रेश हवा एयर जो है इसको अंदर खींचता है। ये सामने फिल्टर लगा हुआ है जिसके ज़रिए जो हवा में डस्ट वगैरह होती है वो यहाँ पर फिल्टर के साथ रुक जाती है, अंदर नहीं जाती। ये फिल्टर वाला बॉक्स है जहाँ पर फिल्टर लगाया गया है। इसके आगे ये जो जहाँ पे पाइप लगे हुए हैं, ये लिक्विड लाइन का कॉपर पाइप है और ये नीचे सेक्शन लाइन का। यहाँ अंदर इसका वेपोरेटर है, कूलिंग कॉइल है, ये भी मैं आपको बॉक्स खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर ब्लोअर और मोटर लगी हुई है, ये देख सकते हैं ये मोटर है और ये इसका ब्लोअर है, जिसको मोटर और ब्लोअर को आपस में बेल्ट के साथ दो बेल्ट लगाए गए हैं अटैच करने के लिए। 3 फेस मोटर है इसमें। वेपोरेटर वाली जगह बंद है, एक साइड में फिल्टर लगे हुए हैं तो वो मैं आप लोग को ओपन करके नहीं दिखा सकता। ये कॉपर का पाइप जो जाके कंडेंसर कॉइल के साथ अटैच किया गया है आउटडोर के साथ, मिस्टोबिशी का आउटडोर इसको लगाया गया है। आउटडोर भी खोल के मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इसकी ड्रेन लाइन है जिसके जरिए पानी बाहर आता है, वेपोरेटर का जो ह्यूमिडिटी के साथ पानी होता है वो बाहर आता है। ड्रेन लाइन है, ड्रेन ट्रे से ये बाहर निकली हुई है तो ये इसका वेपोरेटर वाला हिस्सा है। ये अच्छा कि इंडोर होते हैं इसी में तो ये अंदर वाला वेपोरेटर वाला हिस्सा है इसका FAHU DX-FAHU है। ये कंडेंसर वाला हिस्सा है जो कि आउटडोर है। इसको खोल के मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये दो स्क्रू खोलेंगे तो ये कवर खोल गया है, कवर हमने खोल लिया है तो ये इसमें स्क्रोल कंप्रेसर लगा हुआ है। 7 टन का ये यूनिट है, 3 फेस यूनिट है। ये 2 कंडेंसर फैन मोटर लगाई गई हैं इसमें। ये इंडोर किसी और कंपनी का है, यानी कॉयल वाला हिस्सा किसी और कंपनी का है। ये आउटडोर जो है मिस्टोबिशी कंपनी का है तो आउटडोर पुराना था इसलिए दोबारा ये आउटडोर लगा दिया गया है नया, लेकिन इंडोर वाला हिस्सा सही था, आउटडोर वाला ख़राब हो गया था। तो इसमें एक हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है सेफ्टी के लिए, अगर कोई सिस्टम वगैरह ब्लॉक हो जाए तो। ये इसके जो पैनल है, मैग्नेट कॉन्टैक्टर है जो कि कंप्रेसर को ऑपरेट करवाने के लिए लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल की वायरिंग लगी हुई हैं। ये 3 फेस कनेक्शन है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और न्यूट्रल और अर्थ। मेन पावर यहाँ पर आके लगी हुई है। तो गैस इसमें बस यही है, इसको DX-FAHU इसीलिए बोलते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसिव
फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट है, क्योंकि ये इसमें आउटडोर लगा हुआ होता है, कंडेंसर कॉइल लगा हुआ होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको ऐसी बहुत सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यू की वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू गाइज़।